तो मैं जेना बात ना करके इतना ही कहूंगा, जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के बल पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मुकाम मिला है, केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ हम केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार बनाने में सफल हुए हैं, उसके पीछे जो जनता का आशीर्वाद है वो तो है ही। अगर जनता का आशीर्वाद नहीं होगा तो हम, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विजय की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, परिश्रम की पराकाष्ठा जो की है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए किसी शब्द से मैं अगर आपका अभिनंदन करूंगा तो वह सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। मुझे 48 महीने में हुआ है, उतना काम 48 साल में कांग्रेस की पूर्वे ने नहीं किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हम सब प्रयागवासी, कुंभ का आयोजन यहाँ बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से इस बार का विशेष तौर से देख रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे जिन्होंने इसके पहले भी कुंभ के आयोजन देखे हैं, लेकिन जितनी तैयारी जितना महत्व कुंभ के मेले को लेकर के इस बार केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के दे रही है, क्या इसके पहले कभी इतना मतलब ध्यान दिया गया है?